नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। इस वीडियो का पहला पार्ट आ चुका है और ये सेकंड पार्ट है। गाड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं तीनों, आप देख सकते हैं। वो तीसरी गाड़ी पीछे खड़ी है, वो भी रेडी है, और दो गाड़ियाँ ये बिल्कुल रेडी हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही हैं दोनों गाड़ियाँ खड़ी एक साथ। तो चलिए फटाफट आपको इसका रिव्यू दे देते हैं। तो ये है 25 फुट की गाड़ियाँ हैं, 10 चक्की 2818C, जो कि हमारे पास आई थी, हमारा YouTube चैनल देख के ही आई थी ये भी। और सबसे पहले नीचे आप सेफ्टी गार्ड देख सकते हैं, इस पर रेडियम से शायर व शायरी लिखी हुई है, माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा। और नंबर प्लेट देख सकते हैं, और ये बम्पर हेडलाइट पे क्रोम दोनों साइड स्टील चढ़ाया हुआ है इन पे। और ये बम्पर पे जो गार्ड है इस पे गैंगलैंड लिखा है, ये देख सकते हैं। और नीचे बम्पर गार्ड के नीचे तीन पाइप दिए हुए हैं हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, इन पे भी रेडियम लगा हुआ है। बाकी शो इनकी वाइट रखी हुई है, तीनों गाड़ियों की शो वाइट है। और ये दूसरी गाड़ी है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का फ़र्क है, रेडियम के कलर का और पेंट के कलर का फ़र्क है, बाकी सेम है गाड़ियाँ सारी। बाकी आप आगे मूछें देख सकते हैं, 3M रेडियम टेप की लगाई गई हैं, ये फाइबर की हैं सारी। ये हैंडल स्टील के प्लेट, इस पर भी रेडियम का वर्क किया गया है। और ट्रायंगल आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर ये स्टील की चादर के बनाए गए हैं, उसके ऊपर मूछ छोटी वाली। बाकी आप फ्रंट शीशे के रेडियम देख सकते हैं, लिखाई बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है कलर का, येलो येलो वाइट शो और येलो रेडियम। बाकी आप मत्था देख सकते हैं, और चौड़े वाला बड़ा जो आगे बोर्ड होता है टूल के, वो लगाया गया है इसको। और टेपर देख सकते हैं आप, 00 बिल्कुल लेवल में टेपर है मत्थे की और बोर्ड की और टूल की दोनों गाड़ियों की। इसका भी सेम ही है काम आगे, और मत्थे की इसकी भी आप टेपर देख सकते हैं, 14.5 इंच मत्था है इसका, और बोर्ड भी इसको चौड़ा लगाया गया, और टेपर इसकी भी आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार काम किया गया है गाड़ियों में। और ये हेडलाइट के क्रोम जो कि अलग ही लुक देते हैं गाड़ी को। और बॉडी का कलर और खिड़कियों का कलर आप देख सकते हैं, दोनों का अलग अलग है, जो कि डिफरेंट लुक देता है दोनों गाड़ियों में। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ये आप साइड का व्यू देख सकते हैं, पूरी बॉडी का वाइट और येलो कलर की पट्टी है खिड़कियों पे, और शो भी इसकी वाइट है, ओरिजिनल कलर है शो का। बाकी ये स्टील लगी है, और चक्कर प्लेट लगी है पंजे वाली, और मरगार्ड स्टील के गोला भी स्टील का आप देख सकते हैं। और ये पत्तियां लगी हैं, 1 इंची वाली हैवी पत्ती होती है, और 2-2 इंची पे पेच लगे हैं सारे आप देख सकते हैं, ताकि पत्ती ज़्यादा मजबूत रहे। स्टील के हैंडल देख सकते हैं आप साइडों में खिड़कियों के साथ, और गोले के ऊपर सारा स्टील लगा है, और उस पर रेडियम से लिखाई की गई है, और शेर व शायरी लिखी गई है, रॉयल चॉइस लिखा गया आप देख सकते हैं हैंडल पे। और टूल आप देख सकते हैं, टूल में जो बर्फी का डिज़ाइन बनाया गया उसमें कलर को फिल किया गया है। टूल की ऊपर की साइड भी स्टील का हैंडल है, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर टॉप पे। और व्हील कप आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले व्हील कप हैं, ये स्टील के व्हील कप हैं इस गाड़ी को। और उस पर रेड कलर का रेडियम लगा हुआ है,
और ये टूल बॉक्स है, और ये साइड जंगल आप देख सकते हैं। इसका भी डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है बनाया गया है, अंदर पाइप लगाए गए हैं 1 इंची वाले, और बॉडी का कलर देखिए, और ऊपर लर को स्टील लगाई गई है, और पीछे टायरों के ऊपर स्टील के मरगार्ड, और ये व्हील का पीछे वाले आप देख सकते हैं क्रोम वाले व्हील कप बोलते हैं इनको, और ये चेन बोतल स्टैंड, और ये स्टील के मरगार्ड दोनों टायरों के ऊपर पीछे, और ये कुंडे लगाए गए हैं। और ये है बैक साइड वाला जंगला, और स्टपनी पे आप देख सकते हैं इन्होंने कवर चढ़वाया है रैगजीन का। और पीछे डाले पे आपको दिखा देता हूँ, और पीछे डाले पे देख सकते हैं आप काजीगुंड लिखा हुआ है, और सेफ्टी गार्ड पे लिखा है शिरोशारी, और सेफ्टी गार्ड के नीचे भी चेन लगी है, और पीछे की नंबर प्लेटें देखिए बहुत ही बढ़िया कलर किया गया है रेडियम से। आदिल भाई की गाड़ियां हैं ये। जालियों पे लिखा है माइंड ब्लोइंग, और ये पीछे वाला बत्ता है जो इस पर भी बर्फी बनाई गई है, उस पर कलर किया गया है, और स्पेयर फट्टों पे आप देख सकते हैं गबरू लिखा हुआ है। और ऐसे ये दूसरी वाली गाड़ी सेम है, कलर का फर्क है बस, इस पर लिखा है शू हट, पीछे वाली बैक प्लेट है जो। और दूसरी गाड़ी के स्पेयर फट्टों पे बनी है शेर की सीनरी, ये भी अलग ही लुक दे रही है अपने आप में। और दूसरी गाड़ी आपको दिखा देता हूँ साइड से, इसका कलर डिफरेंट है। लर पे स्टील लगी है, उस पर रेडियम से लिखाई की गई है, KGR लिखा हुआ बॉडी पे। और आप इसके व्हील कप देख सकते हैं, ये दूसरी किस्म के व्हील कप हैं चादर वाले, उस पर रेडियम लगा हुआ है। और दिल्ली वाला जंगला, साइड जंगला, दिल्ली वाला जंगला भी बोलते हैं इसको, और फ्रंट वाले जो व्हील कप हैं वो स्टील के हैं, वो अलग डिज़ाइन के हैं दूसरी गाड़ी से। और इसका खिड़कियों का जो कलर है ग्रीन और वाइट, और ये स्टील के गोले लगे हुए हैं, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है। बाकी टूल सेम है दोनों का, सिर्फ कलर का फर्क है। तो चलिए अभी आपको कैबिन दिखा देते हैं अंदर से। तो सबसे पहले आप खिड़कियां देख सकते हैं, इस पर स्टील लगी है सारी, और लंबी चाबी वाले लॉक, इंस्पेक्टर लॉक, और भाई साहब ये है अंदर से कैबिन। कालीन देख सकते हैं आप, पूरा बेड बना हुआ सीटों का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अंदर कैबिन का। वुडन शेड का माइका लगा है अंदर, वो भी 3D में। और ये आप देख सकते हैं स्टील की ग्रिल लगाई गई है एक्स्ट्रा मजबूती के लिए, और ये बोतल स्टैंड है,
और ये आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डैशबोर्ड बना है। ऊपर स्टील के गोले घुमाए गए हैं और इसके अंदर रखा है आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास जो कि कैबिन की अलग ही लुक दे रहा है। बाकी ये स्क्रीन है, और ये बॉक्सेस आप देख सकते हैं, फ्रंट ऊपर वाली साइड फ्रंट पे बॉक्स बनाए गए हैं तीन, ये सेंटर वाला है और ये साइडों वाले। और ये तीनों गाड़ियाँ सिंगल छत्ती कैबिन की हैं, तीन छत वाला कैबिन भी बोल देते हैं इसको। और ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं कैबिन में कैसे गुलाई में बनाए गए हैं, बहुत ही बढ़िया देखने में, बहुत ही शानदार लगते हैं। और पीछे बैक पे बिल्कुल प्लेन सनमाइका साथ वाला ही लगाया गया है, कोई ट्राला नहीं लगाया इसको, क्योंकि सनमाइका वुडन शेड वाला था ये। और ऊपर बक्सा देख सकते हैं और पीछे पाइप लगा है, स्टील का पाइप है ये। तो ये थे दोस्तों गाड़ियों के रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आपको चलते चलते तीसरी गाड़ी भी दिखा देते हैं कि कैसी बनी है, और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।